अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका चल रहा था और उसमें आपका बताया जा रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल बताई जा रही थी, यानी कि सुरक्षा परिषद। इसमें आपका ये बताया गया 41 और 42 अनुच्छेद काफी महत्वपूर्ण है, सतर्क रहिएगा इससे। बैठिए भाई, ज़्यादा क्वेश्चन इससे बने हैं, आपका 41 से भी और आपका 42 से भी। यानी कि आपका 41 में ये था कि बल का तो प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अन्य कार्य किया जाता है सुरक्षा परिषद द्वारा, और अनुशासन या बल का प्रयोग या प्रवर्तन कार्यवाही पूछ ले तो आप सतर्क रहिएगा कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, आपका 42। इसके बाद आपका पूछा जाता है 43 भी पूछा जाता है। एक बार 43 अंडरलाइन कर लिए बैरेट पर, नोट्स में भी है कि कैसे बल उपलब्ध कराया जाएगा, तो कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र संघ को बल देने के लिए बाध्य नहीं है, तो बल कैसे उपलब्ध कराया जाता है, तो सुरक्षा परिषद समितियां बनाती हैं और वह समितियां राष्ट्रों से समझौता करती है, करार करती है। यही पॉइंट पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र को बल कैसे प्रदान करते हैं राज्य, तो आपका क्या करके, करार। एक शब्द याद रखे, क्या करके, करार करके। इसके बाद आ जाइएगा अनुच्छेद 51, बीच के सभी अनुच्छेद छोड़ दीजिएगा आपका 42 के बाद। अब तक के इतिहास में कभी कोई क्वेश्चन बना नहीं है, तो भाई अनंत संभावनाओं को लेकर हम भी नहीं पढ़ा सकते। आपका 51 से आपका क्वेश्चन बना है, और 51 से जो क्वेश्चन बना है वह क्वेश्चन का मॉडल देख लीजिए पहले। सेल्फ डिफेंस का राइट, यानी कि आपका आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार आपका यूएनओ चार्टर के किस अनुच्छेद में दिया गया। कई बार क्वेश्चन बना है 51। अब इसको जब भी पढ़िएगा तो धारा 2 में जो प्रिंसिपल दिए गए हैं वो वह आपका खंड 4 से कोरिलेट करके पढ़िएगा। देखिए धारा 2 का क्लाज 4 क्या कहता है, अनुच्छेद भाई, अनुच्छेद 2 का क्लाज 4 ये बताता है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग नहीं करेगा। इसमें जो सिद्धांत पूछा जाता है जस कोजंस का सिद्धांत समाहित है, यानी कि बल का प्रयोग न करने का सिद्धांत, लेकिन यह विधि का पूर्ण नियम नहीं है। अनुच्छेद 51 इसका अपवाद है, जहाँ कि कोई देश अपनी आत्मरक्षा में किसी दूसरे देश पर बल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन तत्काल इसकी सूचना उसे सुरक्षा परिषद को देनी होगी। और आपका अगर सुरक्षा परिषद को तत्काल इसकी सूचना देगा कि हमने सेल्फ डिफेंस में या सामूहिक डिफेंस में बल का प्रयोग दूसरे राष्ट्र पर किया। इसको जब भी पढ़िएगा आईपीसी से जोड़कर जरूर पढ़िएगा, 96 से लेकर आपका 106, जो सेल्फ डिफेंस का प्रावधान है आईपीसी में, कहाँ से कहाँ तक जोड़ लीजिए नोट पर ही, 96 से लेकर 106। अब 96 से लेकर 106 भी आपको एक बार दोहरवा दिया जाए। 96 कहती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के प्रयोग में की जाए। 97 विस्तार बताती है कि स्वयं की रक्षा करिए, अन्यों की रक्षा करिए, शरीर के प्रति खतरे की रक्षा करिए, संपत्ति की रक्षा करिए। 97, 98 आईपीसी का कहता है कि जिन व्यक्तियों का कार्य कानूनन अपराध नहीं है उनके विरुद्ध भी आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। जैसे भूल में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, बालक 82 में है, 84 में पागल हैं, तो इनके विरुद्ध क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध होगी कि नहीं होगी। तो सेक्शन एकदम रटे रहे, कौन सा सेक्शन आईपीसी का, 98। ये भी विस्तार ही देता है कि जो अक्षम है अपराध करने में
अगर उनके कार्य से खतरा उत्पन्न होता है तो आप उनके भी विरुद्ध बल का प्रयोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। 99 सीमा बताती हैं, 100 आपका बताती हैं पिछली बार पूछा ही गया था कि कब शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में मृत तक कारित की जा सकती है, तो जब मामला धारा 100 में आ जाए और कितने कंडीशन है 7। मृत से भिन्न कब का आप अपहानि कर सकते हैं शरीर के प्रतिरक्षा में, जब मामला 101 में आ जाए, और कब आपका शरीर की सुरक्षा की आपका यानी कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा शरीर के प्रति, कब अंत हो जाएगा 102। 103 संपत्ति के बचाव में कब मृत्यु कारित की जा सकती है, 104 आपका मृत्यु से भिन्न कब कार्य कर सकते हैं और कब संपत्ति के विरुद्ध अधिकार आपका शुरू होगा और कब समाप्त होगा 100 आपका 5 में, और सबसे सशक्त धारा है 106 जहां की किसी निर्दोष को भी आप अपने बचाव में मार सकते हैं लेकिन जब आपके जीवन पर आसन्न खतरा हो यानी कि मृत्यु आप पर मंडराने लगे तो खूब पूछा जाता है 106 भी सबसे सशक्त धारा कौन है प्राइवेट प्रतिरक्षा में 106। इस प्रकार आपका ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। अब आगे देखा जाए आपका 51 जरूर याद रखिएगा, कई बार आपका क्वेश्चन बना है यानी कि आपका चैप्टर 7 भी हो गया। अब आइए चैप्टर 8 प्रादेशिक उपबंध। आज तक के इतिहास में कभी कोई क्वेश्चन नहीं बना, मैंने इतिहास गवाह है कि इससे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो छोड़ दीजिए, लेकिन अध्याय जरूर याद रखिए। अध्याय 8 में क्या है, प्रादेशिक प्रबंधन अनुच्छेद 52 से लेकर 54 तक, बस इतना याद रखना है। फिर अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक सहयोग, इससे भी कभी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं बना है, ये भी अध्याय छोड़ देना है। अनुच्छेद 55 से लेकर 60 तक ये भी छोड़ देना है। अध्याय 10 पूछा जाता है, अध्याय 10 से अब शुरू किया जाए आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक क्वेश्चन आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद से पूछा जाता है, तो पहला क्वेश्चन आपका नोट्स में निकाल लीजिए। देखिए आर्थिक और सामाजिक परिषद चैप्टर 10 में है, नोट्स में इधर उधर होगा आपका। अध्याय 10 आर्थिक यानी कि आपका इकोनॉमिकल एंड आपका सोशल काउंसिल, ये अध्याय पहले याद रखिएगा 10 में है। अब आजकल पूछ रहा है किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो आपका अनुच्छेद 61 से लेकर और आपका 72 तक लिख लीजिए, तो अनुच्छेद आपका 61 से लेकर 72 तक। देखिए आपका जब भी ये पढ़िए क्वेश्चन का मॉडल सतर्क रहिएगा, कैसे कैसे मॉडल बने हैं, जब भी ये चैप्टर उठाइएगा तो सबसे पहले अनुच्छेद 7 पढ़िएगा, अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 ये बताता है कि यूएनओ के दो अंग होंगे, एक मुख्य या प्रधान अंग होगा और दूसरा सहायक अंग होंगे सेकेंडरी या गौण, जिन्हें स्थापित किया जाएगा। तो मुख्य अंग कितने हैं यूएनओ के प्रमुख अंग 6, उसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद शामिल है कि नहीं, शामिल है। यानी कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है, पहला नियम ये निकला। इसके बारे में विस्तृत प्रावधान अध्याय 10 में दिया गया है, अनुच्छेद 61 से लेकर आपका कह सकते हैं 72 तक। इसमें दो अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, आपका कम से कम उन अनुच्छेदों को याद रखिएगा, एक अनुच्छेद 61 है और दूसरा 68 है। अब तक के इतिहास में जो क्वेश्चन बना है, एक सामान्य बातें हम बताएंगे उससे क्वेश्चन बना है, और दूसरा आपका या तो 61 से बना है या 68 से।
तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा, फिर एक बार शुरुआत करिए। आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 61 में किया गया है। तो जहाँ जहाँ गठन के बारे में प्रावधान हो, अब तीसरी संस्था चल रही है, कम से कम तीनों एक साथ दिमाग में बैठाइए। महासभा का गठन किस अनुच्छेद 9, सुरक्षा परिषद का गठन 23, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन 61 इसमें। बताइए अब चार पांच और क्वेश्चन भाई, रिवीजन फिर करा जाए। सत्र न्यायालय का गठन आपका सीआरपीसी की किस धारा में 9 पूछा गया, यही अब 9। सुप्रीम कोर्ट का गठन और स्थापना किस अनुच्छेद में 124। संसद का गठन किस अनुच्छेद में 79। राज्य विधानमंडल का गठन 168। तो तीन ये हो गया और तीन चार वो, एक क्वेश्चन यहाँ से बनने का चांस रहता है। फिर आइए बताइए, सुरक्षा परिषद में मूल सदस्य संख्या कितनी हमने कल परसों बताई थी 11, कितने सदस्य बढ़ाए गए 4, वर्तमान में कितना है 15 है। किस अनुच्छेद में संशोधन करके संख्या बढ़ाई गई थी 23 की, 24 की, 25 की, 26, 23 में। किस अनुच्छेद में 23 में कितनी बार संशोधन अब तक हुआ है, एक बार। कितनी बार, कितने अस्थाई सदस्य हैं 5, अस्थाई 10, एकदम रटा होना चाहिए। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो आपका महासभा का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में था, सुरक्षा परिषद का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का भी मुख्यालय वहीं होगा, वहीं होगा माने यानी कि न्यूयॉर्क में ये सब। अब आइए देखिए आपका क्वेश्चन पर क्वेश्चन चला जाए। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य ये है कि विश्व में सांस्कृतिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, मानवाधिकार का विकास हो, सामाजिक विकास हो, जीवन स्तर ऊंचा उठे, व्यक्तियों का भूख से कोई न मरे इत्यादि, ये किसका कार्य है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बनता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद में अधिकतम कितने मेंबर होते हैं, तो 54 मारकर आइएगा। मैं फिर बता दूं, अगर आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है तो 54 मारिए। तो अब तीनों संख्या बना लीजिए, महासभा की संख्या 193, यूएनओ की संख्या 193, सुरक्षा परिषद की संख्या 15 और आर्थिक और सामाजिक परिषद की संख्या 54। चार क्वेश्चन एक साथ अब चलना, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सभी पीछे वाली संस्थाओं को रिवीजन भी करते रहना है। अगला क्वेश्चन आपका ये बनता है, कई बार बना है कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी थी, तो मूल पूछे तो 18 मारिएगा। मूल पूछे तो कितना, बैरेक्ट पर लिख लीजिए, मूल सदस्य संख्या कितनी थी 18 थी, फिर आपका एक बार संशोधन किया गया तो 27 किया गया, और फिर एक बार संशोधन किया गया तो 54। तो अगला क्वेश्चन आ जाए, क्रम से याद रखिए 18, 27 और 54। फिर हम बता रहे हैं मूल सदस्य संख्या पूछा गया कितनी थी, तो मूल सदस्य सबका बताइए, तो सुरक्षा परिषद की मूल सदस्य संख्या कितनी थी 11, आपका यूएनओ की मूल सदस्य संख्या कितनी थी 51, महासभा की मूल सदस्य संख्या 51, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की मूल सदस्य संख्या 18। अब आइए, किस अनुच्छेद में संशोधन करके यह संख्या बढ़ाई गई है, एक क्वेश्चन बना है, तो गठन किस में हमने बताया 61 में, तो किस अनुच्छेद में संशोधन होगा 61 में। दूसरा क्वेश्चन, कितनी बार संशोधन किया गया है, दो बार बढ़ाई गई तो कितनी बार, आप लोग खुद बता रहे हैं कि दो बार किया गया। अब देखिए कह करके, हाँ किस अनुच्छेद में
भाई याद रखिएगा 61 में, तो सुरक्षा परिषद भी याद रखिए, सुरक्षा परिषद की संख्या बढ़ाई गई किस अनुच्छेद में संशोधन करके, 23 में। अब अगला चलिए आपका देखा जाए, अनुच्छेद 61 में दो बार संशोधन किया गया। पहला संशोधन 1966 ईस्वी में किया गया, 18 से 27 संख्या की गई, जबकि दूसरा संशोधन 1973 में किया गया, 1973 में, और 27 से कितना की गई संख्या, 54। ये जरूर याद रखे, बहुत पूछा गया है आपका। प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 1/3 नए चुने जाते हैं। तो आपका फिर आपका यानी कि प्रत्येक वर्ष 1/3 मेंबर आपका रिटायर होते हैं और नए कितने ही मेंबर चुने जाते हैं। तो 1/3 54 का कितना आ जाएगा अगर निकाल कर पूछे तो 18। यानी कि प्रत्येक साल 18 सदस्य पद मुक्त होते हैं और 18 नए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। तो बताइए एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का हो गया, 3 साल। रट कर जाइएगा, आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो क्या मार्क कराएंगे, 3 साल। फिर सुरक्षा परिषद में बताइए तो 5 अस्थायी सदस्यों का कार्य हमेशा के लिए, 10 अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल है तो वह 2 वर्ष के लिए। मैंने 10 जो अस्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, उनका कार्यकाल कितना होता है, 2 साल, और महासभा के सदस्यों का हमेशा के लिए, वो तो हमेशा रहेंगे। फिर एक बार कोरिलेट करिए, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है, 2 साल, 2 ईयर्स। आर्थिक सामाजिक परिषद के एक सदस्य का कार्यकाल 3 साल। कितने दिनों में 1/3 पद मुक्त होते हैं, नए चुने जाते हैं, 1 साल में। अब थोड़ा राज्यसभा पर कोरिलेट करिए, भारत के राज्यसभा के एक सांसद का कार्यकाल कितना होता है, 6 साल। कितने साल में 1/3 रिटायर होते हैं, 2 साल, और 1/3 नए क्या होते हैं, चुने जाते हैं। देखिए कोरिलेट करते रहे ज़्यादा। अब अगला देखिए आपका, हाँ जो आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद अपने सदस्यों में से ही एक को अध्यक्ष चुनती है और 2 को उपाध्यक्ष, अंडरलाइन कर लेना है, एक अध्यक्ष चुना जाएगा और उपाध्यक्ष कितना चुना जाएगा, 2। अब फिर एक बार आपका 3-4 संस्थाओं को कोरिलेट करिए, लोकसभा बताइए तो मैं बता चुका हूँ, एक बार जीएस में आया है, लोकसभा में एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे, उसके बाद कितने लोगों का चयन किया जाता है जो कार्य करेंगे, 7। और अगर यही काम महासभा में पूछ ले तो 21 लोगों का चयन किया जाता है महासभा में। और सुरक्षा परिषद में हमने कल परसों बताया था कि प्रत्येक माह सुरक्षा परिषद सर्किल वाइज अपने अध्यक्ष का क्या करती है, चुनाव। तो एक व्यक्ति कितने दिनों तक सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष रहता है, यानी कि एक देश 1 माह। और आर्थिक सामाजिक परिषद आ जाइए, एक अध्यक्ष होंगे और कितने उपाध्यक्ष, 2। अब अगला देखिए, जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं वह आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्य बने रहते हैं, लेकिन कोई अलग से उनको प्रिविलेज नहीं होता, यानी कि डबल वीटो का पावर अब इस संस्था में मिलेगा कि नहीं, नहीं मिलेगा। फिर एक बार इस शब्द को देखिए, जो ये आपका सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं आपका इसमें बने रहते हैं सदैव, लेकिन उन्हें कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलता, वे भी आपका एक ही वोट देते हैं, आपका वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते, डबल वीटो का। तो डबल वीटो का प्रयोग केवल आपका सुरक्षा परिषद में करिए, आर्थिक और सामाजिक परिषद में नहीं, ये याद रखना है। हाँ,
कोई जो सदस्य है जो 3 साल तक आपका मेंबर रहा है, तुरंत वह पुनः निर्वाचन का पात्र होगा, यानी कि आर्थिक सामाजिक परिषद में 3 साल सदस्य रहा तो क्या पुनः आर्थिक और सामाजिक परिषद का मेंबर तत्काल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? थोड़ा सुरक्षा परिषद में बताइए, पूछा जाता है अगर सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, कोई सदस्य आपका पदमुक्त होता है तो क्या तत्काल उसे पुनः सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना जा सकता है कि नहीं? नहीं, कुछ 1 साल कम से कम क्या करना पड़ेगा, इंतजार। अगला देखिए आपका, जहाँ तक आर्थिक और सामाजिक परिषद का आपका संशोधन हमने बता ही दिया, अब अनुच्छेद वाइज आइए। हाँ, आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन के बारे में जो प्रावधान किया गया है वह 61 में किया गया है, और इसी अनुच्छेद में कितनी बार संशोधन, 2 बार हुआ है, और संख्या क्या की गई है, फिर एक बार रट कर जाइए, मूल सदस्य संख्या कितनी थी, 18, फिर कितना पहली बार में बढ़ी, 27, दूसरी बार 54, तो वर्तमान में कितना है, 54। अब देखिए अनुच्छेद बहुत आसान है, 10 मिनट में ये संस्था निपट जाएगी, फिर अगली भी 5 मिनट, अगला भी 5 मिनट, आपका 2-3 संस्थाएं, बस आपका न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ही समय लेगा। देखिए आपका अनुच्छेद 61 शुरू करिए, आपका अनुच्छेद 61 जब भी पढ़िए, गठन गठन गठन, तो मैं बता चुका हूँ तीनों, आर्थिक और सामाजिक परिषद में संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य होंगे जिनका निर्वाचन महासभा द्वारा किया जाएगा। यही आपका पॉइंट छूटा था सामान्य बातों में, ये जो आर्थिक सामाजिक परिषद के मेंबर होते हैं इनका चुनाव कौन करती है? अब 4 ऑप्शन देगा, सुरक्षा परिषद, महासभा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा, महासभा की सिफारिश पर सुरक्षा परिषद, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे, तो केवल और केवल कौन, महासभा। फिर बताइए सुरक्षा परिषद में, तो सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव कौन करती थी, महासभा कौन करती थी, और यहाँ भी कौन करेगी, महासभा। चलिए अगला देखिए, पैरा 3 के उपबंधों के अधीन आर्थिक और सामाजिक परिषद के 18 सदस्य प्रति 3 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाएंगे और निवर्तमान सदस्य तुरंत ही फिर से चुने जाने का पात्र होगा, यानी कि कार्यकाल हमने बता दिया कितने साल के लिए, 1 सदस्य 3 साल के लिए, क्या 3 साल बाद पुनः उसे चुना जा सकता है कि नहीं, यानी कि पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा कि अपात्र होगा, लायक होगा कि नालायक होगा, लायक होगा तो तुरंत अनुच्छेद आप जोड़ लीजिए, अनुच्छेद जोड़िए यहाँ संविधान का कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा, जे में आया है इस अनुच्छेद में दिया गया है 55, 56, 57, 58 लिखिए उसको, संविधान का कौन सा अनुच्छेद तुरंत को रिलेट करेंगे, 57 कि भारत का राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन का क्या होगा, पात्र होगा, पात्र नहीं उसको बैरक पर जोड़ते रहे, यही सब काम करेगा ज़्यादा। कोरिलेशन से 25 से 30 क्वेश्चन रिकॉर्ड रहा कि बनता है, मैंने यही आपका आगे बढ़ाएगा अन्य लोगों से, भले आप ना पढ़िए वो कानून लेकिन कम से कम 2-4 बातें लिखे रहेंगे तो याद रहेगी। इसके बाद भाई 18 किया गया, 27 तो वो अलग बात है, वो नहीं पढ़ना है। हाँ, आर्थिक और सामाजिक परिषद में प्रदेश प्रत्येक सदस्य देश का आपका कितना प्रतिनिधि होगा, 1 होगा, तो किस में कितने होंगे, फिर एक बार याद रखिए आपका महासभा में 1 देश कितना भेज सकता है, अधिकतम 5, सुरक्षा परिषद में 1, नहीं सुरक्षा परिषद में 1, आपका वो राष्ट्र संघ में 3 था, महासभा में 5, सुरक्षा परिषद में 1, और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में भी कितना, 1। अब आ जाइए धारा 62 से लेकर और आपका 66, ये क्वेश्चन थोड़ा अंदर जाकर पूछ रहा है, कार्य और शक्तियाँ, एक बार आपका क्वेश्चन बना है इसी पर तीनों को रिलेट करिए। पहला अनुच्छेद जो आप 62 पढ़ेंगे,
आपका उसी पर कोरिलेट करिए, एक क्वेश्चन बना है, गलत यही होगा। महासभा की कार्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दी गई हैं? तो मैं कई बार बताया 10 से 17, उसको लिखिए, बैरेक पर ही लिख लीजिए। आपका जनरल असेंबली या जीए शॉर्टकट में कहा जाता है, महासभा या आम सभा या साधारण सभा कहिए, कि कार्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, ये पूछा गया है, 10 से लेकर कहाँ तक मारेंगे, 70। अब सुरक्षा परिषद पर आ जाइए, सुरक्षा परिषद के कार्य और शक्तियाँ 24 से लेकर आपका 26, हाँ उसको लिख लीजिए बैरक पर, 24 से लेकर कहाँ तक सुरक्षा परिषद के बारे में कार्य शक्तियाँ, 26 तक। फिर अगला क्वेश्चन अब आ जाइए कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की कार्य और शक्तियाँ किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो 62 से ले 66 तक, यानी कि 62 से लेकर कहाँ तक, 66। अब आइए 62 देखा जाए आपका। आर्थिक और सामाजिक परिषद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी और अन्य संबंधित मामलों के संबंध में अध्ययन करेगी, रिपोर्ट तैयार करेगी या अध्ययन करवाएगी, और आपका कह सकते हैं, और इस प्रकार के किसी भी मामले के लिए महासभा, यूएनओ के सदस्यों और संबंधित विशिष्ट अभिकरणों को सुझाव दे सकती हैं कि आप लोग ऐसा करिए। तो यूएनओ के देशों को भी दे सकती हैं, महासभा को भी रिपोर्ट देती हैं। अगला देखिए, यह मानवाधिकारों और सभी के लिए आधारभूत स्वतंत्रताओं के प्रति सम्मान बढ़ाने तथा उसके अनुपालन के लिए महासभा से सिफारिशें कर सकती हैं। तो यही आपका पूछा जाता है कि मानवाधिकारों के उन्नयन के लिए सिफारिशों करने का आपका कार्य किसको सौंपा गया है? तो आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद को, क्लाज कौन सा है, 62। ये क्वेश्चन आपका बनता है कि मानवाधिकार के उन्नयन के लिए सिफारिशें करना किसका कार्य है? तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अंडरलाइन करिए, कई बार ये क्वेश्चन आया है, कई बार। देखिए, अब मानवाधिकार के लिए आयोग जो वर्तमान में बनता है, एक नया आपका देखेंगे कि वह अब महासभा स्वयं बनाती है, यानी कि मानवाधिकार या ह्यूमन राइट के लिए जो आयोग बनाए जाएंगे, महासभा ने यह जिम्मेदारी अब स्वयं प्रस्ताव पास करके क्या कर ली है, ले ली है। तो सतर्क रहिएगा, मानवाधिकार के वर्तमान, आगे हम बताएंगे, आपका मानवाधिकार आ जाए तो सिफारिश तो कर सकती है आर्थिक सामाजिक परिषद, लेकिन अब कार्य उन्नयन का किसका हो गया है, महासभा प्रस्ताव पास करके ली है। इसके बाद आइए आपका देखा जाए कि जो ये आर्थिक सामाजिक परिषद रहेगी, एक प्रारूप तैयार करेगी, महासभा को भेजेगी कि ऐसा किया जाना चाहिए, तो रिपोर्ट किसको भेजती है, महासभा को। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि जो आपका पूछा जाता है वह आपका 68 अनुच्छेद आ जाइए, हाँ 67 अनुच्छेद और 68, दो अनुच्छेद इधर आप पढ़िएगा, मैं बता दूं, पूरा ना पढ़िएगा। 61 के बाद आपका दो और अनुच्छेद पढ़ना है, एक 67 और दूसरा आपका 68। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने हैं आपका 68 से ही लगातार क्वेश्चन बना है। तो 67 में वोटिंग के बारे में प्रावधान है, तो 54 मेंबर हैं, तो प्रत्येक देश का कितना मत होगा, एक मत होगा, और जो भी मतदान आर्थिक सामाजिक में परिषद में होगा वह उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुम 2/3 लिखा है, हाँ, तत्काल उपस्थित और मतदाताओं के बहुमत से लिया जाएगा। तो अब वोटिंग के बारे में आपका एक क्वेश्चन बनता है, तुरंत को रिलेट करिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है
कि महासभा में मतदान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, उसी पर लिखिए, 67 पर कोरिलेट करिए, 18 में, सुरक्षा परिषद में मतदान की प्रक्रिया 27, उसी पर लिखिए बैरेक्ट पर, जो आपका कॉपी या बैरेक्ट है, 3 अनुच्छेद 1-7। मैं फिर बता रहा हूँ, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि महासभा में मतदान की प्रक्रिया किस आर्टिकल में, 18 में एक मत होगा, फिर आपका सुरक्षा परिषद में कल परसों हम बताए थे डबल वीटो भी किसमें है, 27 में, और फिर अगला क्वेश्चन तीसरी संस्था चल रही है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के किस अनुच्छेद में मतदान की प्रक्रिया दी गई है, 67, देखिए आपका ये, उसके बाद 68 पूछा जाता है, देखिए 68 क्रिया विधि के बारे में 68 से 72 तक है आपका प्रोसीजर, लेकिन एक ही अनुच्छेद आपको याद रखना है कंपटीशन के लिए, 68। आर्थिक और सामाजिक परिषद सामाजिक क्षेत्र में मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए आयोगों का गठन करेगी, इसके साथ ही वह ऐसे अन्य आयोगों की भी स्थापना करेगी जो उसके कार्यों को संपन्न करने के लिए अपेक्षित हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि आर्थिक सामाजिक परिषद किस अनुच्छेद के तहत आयोगों का गठन करती है, तो 68, तो इसी को पूछ सकता है, दूसरी भाषा में एक बार पूछा है कि आर्थिक सामाजिक परिषद लिटिल असेंबली का गठन किस अनुच्छेद के तहत करती है, तो 68। अब जहाँ जहाँ लिटिल असेंबली का गठन है इसी अनुच्छेद पर तीनों संस्थाओं को कवर करना है, फिर बताइए पहले महासभा किस अनुच्छेद के तहत सहायक अंगों या लिटिल असेंबली या आयोगों का गठन करती है, आपका 22। महासभा आए तो कौन सा अनुच्छेद मारेंगे, 22। सुरक्षा परिषद आयोग का गठन कर सकती है, 29। कौन सा अनुच्छेद, 29। आर्थिक सामाजिक परिषद पूछे तो 68। इन तीनों में लिटिल असेंबली छोटी सभा का उल्लेख है, भाई एक बार पूछा लिटिल असम, गलत ना हो किसी भी हाल में, ये लगातार पिछली बार आपका जो टेस्ट हुआ था इसी से 2 क्वेश्चन बना था और निश्चित तौर पे क्वेश्चन मिलेगा। इस प्रकार यह संस्था भी समाप्त हो गई। अब अध्याय 11 आ जाइए, अवशासी भूभाग के संबंध में घोषणा, ये चैप्टर से कभी क्वेश्चन नहीं बना है, ये 73 से लेकर 74 तक है, लेकिन अध्याय केवल याद रखना है। अध्याय 11 में क्या है, अवशासी भूभाग के संबंध में घोषणा, छोड़ दीजिए इसको। अध्याय 12 से आपका क्वेश्चन बनता है अंतरराष्ट्रीय नाशधारिता तंत्र, तो अंदर जाकर कभी क्वेश्चन नहीं बना, इस चैप्टर को भी छोड़ देना है आपका, लेकिन आपका इसके बाद क्वेश्चन आपका आ जाइए ट्रस्टीशिप एक्ट यानी कि न्यासधारिता परिषद, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, अध्याय 13, ये क्वेश्चन बना है। देखिए आपका क्वेश्चन कैसे बना है, न्यासिता परिषद के बारे में किस अध्याय में प्रावधान किया गया है, पहला क्वेश्चन बना है, तो आपका जवाब रहेगा अध्याय 13 में। जो दूसरा क्वेश्चन जे में आपका बना है, देखिए निकाल लीजिए भाई नोट्स में, पहले ही होगा आपका, देखिए कमी रह गई, पेजिंग नहीं किया गया, नहीं तो 5 मिनट का आपका है, कोई ज़्यादा इसमें भी, महासभा के बाद है भाई, यानी कि आपका 10 लगभग पन्ने के बाद, नोट्स में जो मिला है आपको लगभग 10 पन्ने के आपका
बाद है। अब इसको थोड़ा समझिए। जो पहला क्वेश्चन आपका बनता है, बना भी है कि द ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यासिता परिषद के बारे में आपका किस अध्याय में उल्लेख किया गया है, अध्याय बना है अध्याय 13 13 याद रखिएगा। एक बार आर्टिकल बना है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, गलत ना हो तो अनुच्छेद आपका कह सकते हैं कि 86 से लेकर और 91 तक, 86 से लेकर 91, गलत ना हो 86 से लेकर कहाँ तक 91। फिर एक बार याद करिए तो न्यासता परिषद आपका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद, 46 से लेकर 91 86, और अध्याय याद रखिएगा कौन सा है 13। अब आइए आपका देखा जाए कह करके, जो ये इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपका 3-4 पॉइंट याद रखिए, जो बताया जाएगा वही मॉडल बनता है। जब लीग ऑफ नेशंस बना था, यानी कि आपका कह सकते हैं कि राष्ट्रसंघ, तो फिर एक बार बताइए राष्ट्रसंघ किस संधि का परिणाम था, वर्साय संधि का, मूल सदस्य कितने थे 62, अंत में कितने रह गए 32, अमेरिका कभी मेंबर बन पाया कि नहीं, नहीं बन पाया। 3 महत्वपूर्ण अंग थे, एक सभा थी, और सभा में वहाँ कितने प्रतिनिधि भेज सकते थे 3। दूसरा परिषद थी, परिषद आपका मैंने 16 मेंबर होते थे, और तीसरा आपका सचिवालय था, तो सब आपका। और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया और फिर एक नया संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ आया, तो संयुक्त राष्ट्र संघ में मूल रूप से 51 देश थे। अब 6 अंग बनाए गए, तो 6 अंग में हम तीसरा चौथा अंग चल रहे हैं, महासभा हम बता दिए हैं प्रमुख अंग, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा कौन चल रहा है न्यासता परिषद, तो अनुच्छेद 7 भी कोरिलेट कर लीजिएगा। तो लीग ऑफ नेशन से शुरुआत करिएगा। जब राष्ट्र संघ गठित हुआ था तो 16 ऐसे देश थे जो मैंडेट सिस्टम माने अधिदेश प्रणाली के तहत या आदेश प्रणाली के तहत रखे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 16 ऐसे देश थे जिनका विकास अभी नहीं हो पाया था, और राष्ट्र संघ ने उसके लिए एक गार्जियन नियुक्त कर दिया था, और गार्जियन का नाम क्या था, मैंडेट सिस्टम उस समय अधिदेश प्रणाली। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उसके पहले ये जो आपका आदेश प्रणाली थी, इसने आपका 5 राज्यों को मुक्त कर दिया गार्जियनशिप से, क्योंकि वह अपना विकास क्या कर लिए, और बचे आपका कितना 5, 16 से 5 निकाल दीजिए तो कितना बचे 11। अब इन 11 देशों का क्या होगा, तो इसके लिए जब संयुक्त राष्ट्र संघ नया माने संगठन बनाया गया, तो एक न्यासता परिषद बनाई गई, और न्यासता परिषद इनका गार्जियन बनाई गई। न्यासता परिषद को ये कर्तव्य सौंपा गया कि आप इनका विकास करिए, और जब ये परिपक्व हो जाए, यानी कि जब बच्चा क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, तो बताइए भरण पोषण करने की जिम्मेदारी माता पिता की कब तक है, 18 वर्ष से जब तक कम है, और आप जैसे लोगों के लिए कोई कानूनी जिम्मेदारी। उसी प्रकार 11 देश थे, जब तक आपका वयस्क न हो जाए, जब तक परिपक्व न हो जाए, जब तक अपना विकास न कर लें, तब तक न्यासता परिषद उनका गार्जियन का काम करेगी, और एक एक देशों को जैसे ही ये परिपक्व होंगे अपने चंगुल से क्या कर देगी, स्वतंत्र, यानी कि इन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। अब जो क्वेश्चन बनता है कि 11 देश राज्य रह गए, धीरे धीरे न्यासता परिषद ने क्या किया कि इनको मुक्त, जैसे जैसे इनका विकास हुआ वैसे वैसे इन्हें मुक्त किया। अब दो क्वेश्चन लास्ट में 3 बनते हैं कि अंतिम देश कौन था जिसे न्यासता परिषद ने स्वतंत्र किया,
या जिसे मुक्त किया? पलाऊ। यही याद रखिए, कौन देश था? पलाऊ। तो क्या न्यासा परिषद के पास अब कोई काम बचा? तो अब क्वेश्चन का मॉडल देखिए, कौन सा ऐसा अंग है जिसने अपने कार्यों को पूरी तरह सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो क्या मारेंगे? न्यासा परिषद। कौन सा ऐसा अंग है आपका यूएनओ का जो अब निष्क्रिय हो गया है? न्यासा परिषद। किसके पास कोई काम नहीं है? न्यासा परिषद। कौन सा अंतिम देश था जिसे स्वतंत्र घोषित किया गया? पलाऊ पलाऊ पलाऊ। जरूर याद रखिएगा, ट्रिपल तलाक जैसे। फिर एक बार लास्ट क्वेश्चन जो उत्तराखंड का मॉडल है, न्यासा परिषद के कार्यों को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि कोई कार्य ही नहीं बचा। तो किसने सस्पेंड किया? सुरक्षा परिषद ने। क्या पास करके प्रस्ताव उत्तराखंड में डेट पूछा गया है जब पलाऊ स्वतंत्र हो गया? तो आपका डेट याद रखे 10 नवंबर 1994, 10 नवंबर 1994 को आपका सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव एक पास करके द ट्रस्टीशिप काउंसिल के आपके कार्यों को अस्थायी रूप से क्या कर दिया? सस्पेंड। समाप्त हो गया अनुच्छेद। इसमें इससे ज़्यादा आज तक के इतिहास में मैं बता दूं क्वेश्चन बना नहीं। तो भाई आपका, लेकिन फिर भी हम सतर्कता बरतने के लिए थोड़ा बता रहे हैं। देखिए आपका अध्याय 13 न्यासा परिषद बहुत पूछेगा, तो आपका मैंने कुछ चीज़ें और याद रखिए, हो सकता है अंदर चला जाए। ठीक है, नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी सतर्कता बरतते हुए नोट्स पर कुछ चीज़ें लिखिए। और वह चीज़ें आपका लिखना है कि न्यासा परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत, तो अलग से लिख लीजिए, अलग से लिखिए उसको, 3-4 क्वेश्चन भाई। न्यासा परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 86। फिर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कार्य और शक्तियां किस अनुच्छेद के तहत दी गई हैं? 87 से लेकर और 88 तक। लिखिए कार्य और शक्तियां 87 से लेकर 88 तक। कार्य और शक्तियां 87 से लेकर 88 तक। और मतदान कहां दिया गया है? 89। मतदान कहाँ दिया गया है? 89 में। देखिए आपका इसको फिर कोरिलेट करिए। अब जैसे ही गठन आपने देखा कि न्यासा परिषद का गठन आपका 86 के तहत होता है, तो पिछले तीनों संस्थाओं का गठन जरूर याद करिएगा। महासभा का अनुच्छेद 9, आपका सुरक्षा परिषद का 23, आर्थिक सामाजिक परिषद अभी बताया गया 61, और आपका न्यासा परिषद का 86। 4 अब क्वेश्चन मिले एक साथ। फिर आइए कार्य और शक्तियों पर आ जाइए, तो महासभा के कार्य शक्तियाँ 10 से 17, सुरक्षा परिषद के कार्य शक्तियाँ 24 से 26, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कार्य शक्तियाँ 62 से लेकर 67 तक, और आपका न्यासा परिषद की कार्य शक्तियाँ 87 से लेकर कहाँ तक? 88। मतदान पर फिर आ जाइए, महासभा में मतदान अनुच्छेद 18, सुरक्षा परिषद में मतदान आपका 27, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में मतदान 67, सही है ना, एक बार 67, और आपका न्यासा परिषद में मतदान तो 89। बस इससे ज़्यादा बहुत अंदर जाकर पूछे तो हाँ। अब आइए जो न्यासा परिषद है आपका, मैं फिर बता दूँ, सभी सदस्य बहुमत से लिए जाएंगे फैसले, सभी सदस्यों का एक वोट होगा। अब आ जाइए अध्याय 14, आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसको अभी बाद में पढ़ा जाएगा क्योंकि ये लंबा चलेगा। अध्याय 15 देखा जाए, सचिवालय। अब सचिवालय से भी एक या दो क्वेश्चन आपका बनता है आपका सचिवालय। तो देखिए आपका
सेक्रेटरीट आपका पढ़ना है सचिवालय। देखिए आपका एक एक करके देखा जाए, सबसे पहले आपका चार अंग निपट गए, पांचवा अंग सचिवालय होगा और छठवां न्याय का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। पहले क्वेश्चन का मॉडल बना लिया जाए। क्वेश्चन का जो मॉडल बनता है वह आपका बनता है सचिवालय में, कि सचिवालय का प्रावधान आपका किस अध्याय में है। एक तो आपका ये क्वेश्चन, तो कौन सा अध्याय में मार्क कराएंगे आपका, 15 में मार्क, नहीं 15 में मार्क कराएंगे। दूसरा आर्टिकल बन सकता है कि किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक, तो आपका 97 है ना, हाँ 97 से 101, ये याद करना है। तीसरा जो बनता है आपका कि सचिवालय का प्रधान कौन होता है, महासचिव। महासचिव की नियुक्ति कौन करती है, तो सुरक्षा परिषद और महासभा दोनों मिलकर करती है। महासचिव का कार्यकाल एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत टेक्निकल आया था कि महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष तक का होता है। अब ये पूछा गया था कि महासचिव के कार्यकाल के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है, तो किसी में नहीं, कार्यकाल के बारे में कहीं प्रावधान ही नहीं था। तो महासभा ने एक संकल्प पास किया और कार्यकाल का निर्धारण किया है, और कितना कार्यकाल इनका बनाया है, 5 साल। एक बार अच्छा क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन कम लोगों को जानकारी होगी, तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे डिटेल में तो कोई ना कोई अनुच्छेद मार कराएंगे। फिर एक बार हम बता रहे हैं, महासचिव का कार्यकाल कितना होगा, ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, किसी आर्टिकल में नहीं, तो कैसे डिसाइड किया गया, तो नहीं, हाँ तो माने यूएनओ के महासचिव का, तो कैसे डिसाइड किया गया ये, तो महासभा ने एक प्रस्ताव पास किया और उस प्रस्ताव द्वारा कितना आपका कार्यकाल कितने समय तक निर्धारित किया, 5 साल। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनता है, प्रथम महासचिव कौन था, दो बार कौन रहा, एक बार कौन बना है आपका, भारत का कौन व्यक्ति था जो महासचिव का चुनाव में भी कूद पड़ा था, फिर आपका किसकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हो गई, कौन आपका कह सकते हैं त्याग पत्र दे दिया, कौन प्रथम एशियाई था, तो कौन एक बार रहा, तो कौन दो बार रहा, तो वर्तमान में कौन है, तो इनका कार्यकाल कितना है, यही सब रटना है, अनुच्छेदों में कहाँ दम है। हाँ, कौन उप महासचिव का पद का सृजन कब किया गया, प्रथम उप महासचिव कौन थे, यानी कि जैसे जीके में रटा जाता है ना, सेम उसी प्रकार इसमें भी रटना है। मैं फिर बता दूं, जैसे जीके में आप रटते हैं डेट सन नाम, वैसे ही यहाँ भी रटना है, और एक क्वेश्चन आपका बनने का चांस रहता है, चाहे वर्तमान में पूछ ले, हाँ किस देश का था ये भी देश पूछा जाता है, भारत का कौन हुआ है, अब तक कोई नहीं, चुनाव लड़े थे आपका, कह सकते हैं शशि थरूर जी, लेकिन जीत नहीं पाए, पता ना भारत सहयोग किया कि नहीं, क्योंकि मतदान गुप्त होता है। एक बार पिछली बार जो क्वेश्चन बना था कि महासचिव के नियुक्ति का एक्चुअल पावर किस में है, तो फिर एक बार देखिए, जो परपिचुअल मेंबर हैं, अस्थाई 5 सदस्य हैं, अगर एक ने भी वीटो यानी कि नकारात्मक मत का प्रयोग कर दिया, तो वह व्यक्ति भले ही सब वोटिंग पाया हो, महासचिव का मुख देख पाएगा कि नहीं, नहीं देख पाएगा, तो एक्चुअल पावर किस में है, तो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य। तो आपका एक बार संविधान में बना कि आपका संविधान में जजों की नियुक्ति का एक्चुअल पावर किस में है, कोलिजियम, क्योंकि जब तक कोलिजियम नाम न भेजे तब तक कोई व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा कि नहीं, नहीं बन पाएगा, तो
भाई 10 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर जुरिस्प्रूडेंस चलेगा, 10-12 मिनट का ब्रेक रहेगा। कल हम सचिवालय बताएंगे, एक और दो संस्था आपका सचिवालय हो जाएगा तो न्याय और छोटे छोटे अनुच्छेद, तब न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, क्योंकि उसमें 3 दिन लगेगा, क्योंकि उससे 4 या 5 क्वेश्चन न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से बनते हैं निश्चित तौर पे, यानी कि 10 क्वेश्चन इधर से और 5 क्वेश्चन किस से, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय, तो उसको लास्ट में रखा जाए कल के बाद। कल जो मिसलेनियस जितना है सचिवालय से लेकर समाप्त कर दिया जहाँ अनुच्छेद, तो रेस्ट ले लीजिए, तो जुरिस्प्रूडेंस।
देखिए, आपका जुरिस्प्रूडेंस में अधिकार पढ़ाया जा रहा था। अधिकार के प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है, और ये क्वेश्चन बनता है कौन प्रकार है या कौन प्रकार नहीं है, या बहुत अंदर जाकर पूछे तो ये कैसा प्रकार है। इसके बाद अधिकार के सिद्धांत आते हैं, उससे भी आपका क्वेश्चन बना है। इसके बाद हम प्रकार के बाद बताएंगे, लेकिन फिर एक बार परिभाषा पर गौर करिए थोड़ा, क्योंकि ज़्यादातर परिभाषाएं ही पूछी गई हैं। कम से कम चार परिभाषाएं तो याद ही रखिए, फिर हम एक बार दोहरा दें। इहरिंग क्या कहते हैं? कि अधिकार विश द्वारा संरक्षित हित है। सामंड क्या कहते हैं? कि अधिकार विश द्वारा मान्य तथा, जैसे ही मान्य शब्द आए यही गलत होता है तो सामंड मारिए। और तुरुप का पत्ता आ जाए तो आपका डार्कविन या डार्किन मारिए। अगर ये पूछे कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी औलाद है जिसका कभी कोई पिता नहीं रहा है, तो जर्मी बेंथम मारिए। चार हर हाल में तैयार करना जरूरी है, उसके बाद कुछ और कौन शक्ति कहता है, कौन विशेषाधिकार कहता है, वो अलग बात है, लेकिन 99% चांस है कि इन्हीं चारों में से आ जाना चाहिए। फिर आपका अधिकार के आवश्यक तत्व भी दो बार बताए गए थे। पांच आवश्यक तत्व हैं, लेकिन दो लोग पांचवे को मानने से इनकार करते हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी। अधिकार के प्रकार चल रहे थे हम, पहले प्रकार देख लिया जाए तब आपका सिद्धांत पर पूछा जाता है, और उदाहरण भी चलते रहिए। पहला अधिकार हम बताए थे पूर्ण अधिकार और अपूर्ण अधिकार। तो पूर्ण अधिकार का मतलब ये हुआ, अगर आ जाए अंदर जाकर, तो जो विधि द्वारा मान्य और प्रवर्तनीय हो, यानी कि कानून उसे मान्यता भी देता है और न्यायालय उसे लागू भी कराते हैं, तो ये कैसा अधिकार हो गया? पूर्ण। अपूर्ण का मतलब विधि द्वारा मान्य है, कानून मान्यता देता है, लेकिन न्यायालय द्वारा उन अधिकारों को लागू नहीं कराया जा सकता, तो वे अधिकार कैसे कहलाएंगे? अपूर्ण। बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया था, जैसे संविदा नियम में कि संविदा क्या है, तो वह करार जो विहित प्रवर्तनीय है। विहित प्रवर्तनीय का मतलब कि न्यायालय में आप मुकदमा दायर कर सकते हैं, तो ये पूर्ण अधिकार है। और अगर विहित प्रवर्तनीय नहीं है तो वह अपूर्ण हो गया। जैसे मूल अधिकार क्या हो गया? पूर्ण अधिकार। क्योंकि अगर मूल अधिकार का राज्य वायलेशन करता है तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मुकदमा करके प्रवर्तित करा सकते हैं, तो ये इस हिसाब से पूर्ण अधिकार हुआ। लेकिन जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जो मौलिक कर्तव्य है, वह पूर्ण अधिकार नहीं है बल्कि कैसा है? अपूर्ण। दूसरा देखिए, दूसरा प्रकार बताया गया था सांपत्तिक अधिकार और वैयक्तिक अधिकार, यानी कि एक प्रॉपर्टी संबंधी राइट और दूसरा पर्सनल राइट। तो प्रॉपर्टी संबंधी अधिकार क्या होता है? तो जो अधिकार संपत्ति से संबंधित होता है उसे सांपत्तिक अधिकार कहते हैं। इसका महत्व जो होता है वह मुद्रा के रूप में होता है, धनी होता है, जो व्यक्ति से संबंधित रहता है, व्यक्ति के पर्सनालिटी से संबंधित रहता है, उसे वैयक्तिक अधिकार कहते हैं। जैसे कि हमने एक उदाहरण बताया था राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार। जो ये गर्भपात वाला कानून चल रहा है उसमें भी राइट टू प्राइवेसी हम बताएंगे, क्योंकि उसमें भी आपको एक जगह आएगा कि जब भी डॉक्टर गर्भपात करे महिला की निजता का ख्याल रखे, किसका गर्भपात किया है, क्या ये ओपन किया जाएगा कि नहीं, नहीं किया जाएगा, इसका ख्याल रखा जाएगा, तब निजता फिर हम बताएंगे। क्योंकि आपका गोविंद का केस, मधुकर नारायण का केस, खड़क सिंह का केस, आपका रिटायर्ड जस्टिस पुट्टा स्वामी का केस, फिर आपका आईपीसी 509 अनुच्छेद 21 संविधान, आपका तमाम क्वेश्चन बन रहे हैं। अगला देखिए, आपका अगला सार्वबंधी अधिकार और व्यक्तिबंधी अधिकार। सार्वबंधी को कहते हैं विश्वव्यापी,
सार्वभौमिक भी कहते हैं, और आपका व्यक्तिबंधी अधिकार, तो सार्वबंधी को इंग्लिश में कहते हैं राइट इन रेम और व्यक्तिबंधी को राइट इन पर्सोना। तो थोड़ा एविडेंस से जोड़िए तो निर्णय पर, अधिकार नहीं निर्णय। निर्णय भी दो प्रकार के होते हैं, एक जजमेंट इन रेम यानी कि सार्वबंधी निर्णय। पिछली बार पूछा भी गया था कि सार्वबंधी निर्णय का प्रावधान विश्वव्यापी सार्वभौमिक आप कह सकते हैं या लोकलक्षी, भाई इसको जो सार्वबंधी मैं बता रहा हूँ इसको लोकलक्षी भी कहते हैं। तो एविडेंस की धारा 41 में लोकलक्षी या जजमेंट इन रेम का प्रावधान किया गया है, अर्थात ऐसा निर्णय जिससे पूरा विश्व क्या हो बात। और अन्य निर्णय क्या कहलाएंगे, जजमेंट इन पर्सोनम, व्यक्तिबंधी केवल पक्षकार और उनके हित प्रतिनिधि क्या होते हैं बात। तो अधिकार सेम है, अगर कोई अधिकार हमें मिला है और पूरे विश्व के खिलाफ मिला है तो वह राइट इन रेम होगा, और किसी पर्सनल व्यक्ति के खिलाफ मिला है तो वह राइट इन क्या होगा, पर्सोना। अब आप लोग दिमाग स्थिर करके बताइए, अपकृत्य में किस अधिकार, जो अधिकार होता है आपका कौन सा अधिकार होता है, पर्सोनम की रेम पूरे विश्व के खिलाफ हमें प्राप्त होता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ पूरे विश्व, एक व्यक्ति नहीं भाई छत पर्सनल होती है। फिर एक बार देखिए ना, फिर हम बता रहे हैं, ये बिहार का क्वेश्चन है और इसको अच्छे से तैयार भी करना है। देखिए उदाहरण भले थोड़ा एक दिन आगे बढ़ जाए क्योंकि ये जुरिस्प्रूडेंस है, सबसे कठिन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन रटवा सकते हैं, ये रटवाया नहीं जा सकता, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्या करना पड़ेगा, बैठाना ही होगा, इसीलिए थोड़ा स्लो चल रहा है, नहीं तो अब तक आपका समाप्त हो गया रहता। फिर एक बार दिमाग में बैठाइए, अगर आप रोड पर जा रहे हैं तो आप बताइए आपका अधिकार किसके प्रति है, पूरे समाज के प्रति अधिकार है कि एक व्यक्ति के प्रति कि आपको धक्का न दिया जाए, तो ये कौन सा अधिकार आपका हो गया, रेम, कौन सा अधिकार यानी कि लोक लक्षी। लेकिन अगर धक्का दे दिया, आपका पैर टूट गया, तो जो क्षति होगी वह पर्सनल होगी, क्षति। फिर एक बार याद रखिए, जिस अधिकार का वायलेशन अपकृत्य में होता है वह हमें पूरे विश्व के खिलाफ प्राप्त रहता है, लेकिन जो क्षति होती है, इंजरी होती है, वह व्यक्तिगत होती है। अब आईपीसी में देखिए, आईपीसी में किस अधिकार का उल्लंघन होगा बताइए, तो कोई व्यक्ति हमें उपहति न कारित करे, क्या एक व्यक्ति के आपके खिलाफ अधिकार है आपका कि पूरे विश्व के, तो किस कौन सा हो गया अधिकार, रेम, और एक व्यक्ति के खिलाफ रहता तो पर्सोनम। एक अच्छा उदाहरण आप संविदा में आइए पर्सोनम का, भाई रेम का तो हो ही गया। अगर ए और बी ने संविदा की है तो ए का अधिकार केवल बी के खिलाफ है और बी का अधिकार केवल किसके खिलाफ, ए का। तो जब आपका, जब कोई अधिकार पूरे विश्व के खिलाफ हो तो उसे रेम, सार्वबंधी लोकलक्षी अधिकार, और जब कुछ एक व्यक्ति या कुछ ही व्यक्तियों के खिलाफ अधिकार हो तो उसे पर्सोनम यानी कि कौन सा अधिकार हम कहेंगे, व्यक्तिबंधी अधिकार, व्यक्तिबंधी। तो संविदा में बताइए अधिकार और कर्तव्य व्यक्तिबंधी होता है कि सार्वबंधी, व्यक्तिबंधी। कौन बाध्य होता है संविदा से, या तो पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि, क्या पूरा विश्व बाध्य होता है। अब कोई समस्या हो तो बताइए, चार उदाहरण में बताया और बिहार का दो एक दो क्वेश्चन भी इसमें निकल गया, अपकृत में जो अंदर जाकर पूछा गया था दो तीन बार वह भी क्वेश्चन आपका आ गया। अगला देखिए, स्वसांपत्तिक और परसांपत्तिक यानी कि जो अपनी संपत्ति पर आपका अधिकार है वह स्वसांपत्तिक है और दूसरे की संपत्ति पर जो अधिकार है वह क्या है, परसांपत्तिक। तो एक दो तो उदाहरण बताइए, देखिए उदाहरण बहुत अच्छा है, सुखाधिकार सबसे अच्छा उदाहरण है, सुखाधिकार इजमेंट। जैसे आपका मकान है,
बगल में दूसरे का प्लाट है, तो अब आपका आपका अपने मकान का आप अच्छे ढंग से यूज कर सकें, इसके लिए आपको दूसरे के ज़मीन पर कुछ अधिकार होता है। इसी को हम इजमेंट कहते हैं। जैसे कि आपका रास्ता का अधिकार हो गया, हवा आने का अधिकार, बिजली के तार का अधिकार, आपका नल माने ये आपका वाटर पानी आने के पाइप का अधिकार, सीवर लाइन जाने का अधिकार, प्रकाश का अधिकार, ये सब किसकी संपत्ति पर यूज किया जाता है? अपने की दूसरे पर। तो दूसरे की संपत्ति पर ये अधिकार है तो क्या रास्ता कोई रोक देगा आपका? नहीं। तो एक अपनी संपत्ति पर अधिकार हुआ कि दूसरे की? तो दूसरे की होगा तो पर संपत्ति पर, अपनी संपत्ति होगा तो स्व। अगला देखिए, निहित अधिकार और समाश्रित अधिकार। टीपीए में हमने बताया था निहित अधिकार, जब भी पढ़िए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 19 पढ़िए, और समाश्रित अधिकार में 21। निहित हित कहाँ परिभाषित है? टीपीए में 19 में। समाश्रित हित कहाँ परिभाषित है? 21। अब फिर एक बार समझिए, निहित हित पूर्ण होता है और जिस घटना पर आधारित होता है उस घटना का घटित होना आपका अवश्यंभावी होता है, यानी कि वह घटना हर हाल में घटित होगी। जैसे ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 5,000 दूंगा, लेकिन कब? जब पहले सी मर जाएगा। तो बताइए सी का मरना संभावना है कि निश्चित है? किसी न किसी दिन तो मरेगा, तो कब भी 5,000 पा जाएगा? जब बी के पहले कौन मर जाए सी? तो ये कैसा हित 5,000 का होगा? निहित। समाश्रित का मतलब ये हुआ, सबसे अच्छा उदाहरण समाश्रित माने आश्रित। ए बी से कहता है कि हे बी, मैं तुम्हें 5,000 दूंगा या तुम्हारा घर जल जाए। तो बताइए घर जले न जले, क्या ये जल भी सकता है? और नहीं भी, लेकिन विनिर्दिष्ट अनिश्चित घटना है, विनिर्दिष्ट घट भी सकती है और नहीं भी। यही समाश्रित संविदा कही जाती है भाई, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 21 में। अगला अधिकार देखिए, प्राथमिक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट की धारा आपका 31, ये समाश्रित संविदा कही जाती है, जो हमने आपका घर वाला उदाहरण बताया, इसकी परिभाषा कॉन्ट्रैक्ट की धारा 31 में। अगला देखिए, प्राथमिक अधिकार और द्वितीयक अधिकार, ये भी खूब पूछा जाता है, इस पर मूल अधिकार में देख लीजिए। देखिए हमारा प्राथमिक अधिकार मूल अधिकार में है, अनुच्छेद 14 ही उठा जाए, कि राज्य हमारे प्रति असमता का व्यवहार न करे, यानी कि हमारे प्रति समता का व्यवहार करे और हमारे प्रति विधियों का क्या दे? समान संरक्षण। ये हमारा कैसा अधिकार है? प्राइमरी। और जैसे ही इस अधिकार का उल्लंघन होगा, हमारा द्वितीयक अधिकार उत्पन्न होगा, सेकेंडरी अधिकार उत्पन्न होगा, जिसे हम उपचारात्मक अधिकार कहते हैं, कि हम इस अधिकार को लागू कराने वाला अधिकार कहते हैं। तो इस अधिकार को लागू कराने के लिए हम अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। तो बताइए ये कौन सा अधिकार हो गया 226 और 32, प्राथमिक की द्वितीयक? द्वितीयक। तो प्राथमिक अधिकार स्वतंत्र होता है, लेकिन द्वितीयक अधिकार प्राथमिक पर ही क्या होता है? निर्भर। अब दूसरा उदाहरण देखिए, मूल अधिकार छोड़ दीजिए, आईपीसी सीआरपीसी देख लिया जाए एक उदाहरण प्राथमिक द्वितीयक में, और कॉन्ट्रैक्ट और सीपीसी दो उदाहरण और देखिए। जब तक आईपीसी प्राथमिक अधिकार है, सीआरपीसी द्वितीयक अधिकार है, यानी कि जब तक आईपीसी के तहत कोई अपराध सामान्यतः न किया जाए, सीआरपीसी काम नहीं करेगी। रटे रहिए, यानी कि आईपीसी के तहत हलचल होगी तभी सीआरपीसी काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी के तहत अपराध हो, ये प्राथमिक अधिकार है कि अपराध कोई न करे, अगर करता है तो सीआरपीसी द्वितीयक अधिकार,
यानी कि उपचार प्रदान करती है। इसी प्रकार संविदा भंग न की जाए, ये हमारा प्राथमिक अधिकार। भंग कर दिया तो हमारा द्वितीय अधिकार हुआ कि हम मुकदमा करके क्या कर लें, मुआवजा। तो अब अगला ये लोक अधिकार और निजी अधिकार, यानी कि पब्लिक राइट और आपका प्राइवेट राइट। तो जो सड़क हो गई, सबको अधिकार है तो लोक अधिकार, और एक व्यक्ति को अधिकार है तो क्या हो गया, प्राइवेट। तो सड़क पर आने जाने का जो अधिकार है, प्राइवेट राइट है कि पब्लिक राइट। सभी लोग आ जा सकते हैं कि केवल आप आ जा सकते हैं, सभी लोग भाई। और व्यक्तिगत अधिकार माने जो आपका घर है उसमें बिना बुलाए सभी लोग। अगला देखिए आपका, अगला देखा जाए आपका मुख्य अधिकार और सहायक अधिकार। तो इसका अच्छा उदाहरण है, एक अधिकार के साथ दूसरा अधिकार मिल गया। इस पर क्वेश्चन अलग से बना है आपका, कह सकते हैं रेम एड रेम, यानी कि आपका अधिकार से उत्पन्न अधिकार। मैं बताया था एकदम शुरुआती दौर में, इसको लिख लीजिए थोड़ा। तो एक बार मैक्सिम बनी है जस एड रेम, जस एड रेम कहा जाता है। जस एम जस एड रेम का मतलब ये हुआ अधिकार से उत्पन्न अधिकार, हिंदी में पूछा गया है। यानी कि एक अधिकार मिलता है मुख्य अधिकार, उसी के साथ साथ सहायक अधिकार भी क्या होता है, मिल जाता है। एक उदाहरण हम कॉन्ट्रैक्ट की धारा 163 का देंगे, उपनिधान का इस पर अच्छा देंगे, गाय के साथ बछड़ा भी वापस करो। और एक उदाहरण हम देंगे आपका ये जमीन और पेड़ का। अगर आपने जमीन खरीदी तो ये मुख्य अधिकार हो गया, और जमीन से जो वस्तुएं जुड़ी हैं वह कैसा अधिकार हो गया, सहायक। तो मुख्य अधिकार के साथ साथ सहायक अधिकार मिल गए कि नहीं। आपने मकान खरीदा, मुख्य अधिकार ताला चाबी खिड़की, आपका दरवाजा मिल गया, ये कैसा अधिकार, यानी कि एक के साथ एक फ्री, उसके लिए आपका एक के साथ एक फ्री। तो अब देखिए उपनिधान भाई क्वेश्चन, उसको रट डालिएगा, लिख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट की धारा 163। बिहार तो बार बार रिपीट कर रहा है, यूपी रिपीट नहीं किया है। हो सकता है बिहार को देखते हुए यूपी भी बना दे। गाय के साथ बछड़ा, ए ने अपनी गाय उपनिधान की, बी को गाय ने बछड़ा दिया, तो बी केवल गाय वापस करेगा कि बछड़ा की गाय के साथ साथ बछड़ा, दोनों दोनों। उपनिधान की गई वस्तु में वृद्धि हो गई तो उसको भी क्या करिए, वापस। चलिए आगे देखिए अब विधिक अधिकार और सामिक अधिकार। तो इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है, जो अधिकार विधि द्वारा हमें मिले हैं, जो कानून देता है वह विधिक अधिकार, और जो इंग्लैंड के सामिया न्यायालयों ने दिया कानून से कहाँ जाकर, बाहर, वह कैसा अधिकार हो गया, सामिक। तो जो विधिक विधि के न्यायालयों ने प्रदान किया विधिक, और जो इक्विटी कोर्ट इंग्लैंड का दिया है या वह क्या हो गया, सामिक। अगला देखिए अंतिम सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक मतलब कुछ करने का अधिकार है तो सकारात्मक, और कुछ न करने का अधिकार है तो, बस एक लाइन में, अगर ये दिया रहे कि आप कुछ कर सकते हैं तो कैसा अधिकार, और कुछ नहीं कर सकते तो नकारा, इस प्रकार अधिकार। अब अधिकार के सिद्धांत आ जाइए, देखिए मॉडल आपका पूछा जाता है। अधिकार के दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक विल थ्योरी, दूसरा इंटरेस्ट थ्योरी। लिख लीजिए उसको, ना हो तो भाई नोट्स में, ना हो तो लिखिए, दिया है कि नहीं। देखिए क्वेश्चन आपका कैसे बनता है, 3-4-5 मिनट में यानी पढ़ जाएगा सिद्धांत। फिर आपका क्वेश्चन देखिए आपका कैसे बना है, सतर्क रहिएगा, बहुत आपका उलझाऊ बनता है। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत अधिकार से संबंधित है, पहला इच्छा दे देगा, दूसरा हित दे देगा, दोनों इनमें से कोई नहीं, जनरल क्वेश्चन। तो दोनों मार्कर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिकार से संबंधित है, कोष्टक सिद्धांत दे देगा, फिर आपका कल्पितार्थ सिद्धांत दे देगा,
फिर हित का सिद्धांत देगा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सिद्धांत अधिकार से इसमें संबंधित है? हित का। कौन सा? हित का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आपका अधिकार से संबंधित है? ये हमने बता दिया, अब नहीं है, नहीं वाला आपका थोड़ा सतर्क रहना है। हित का सिद्धांत, दूसरा इच्छा का सिद्धांत, तीसरा दोनों, चौथा कल्पितार्थ सिद्धांत। तो कौन नहीं है? कल्पितार्थ सिद्धांत। तो हित का सिद्धांत किसने दिया? इहरिंग ने, उसको लिख लीजिए। और इच्छा का सिद्धांत कई लोग दिए हैं, लेकिन हित के सिद्धांत का पिता माना जाता है रुडोल्फ वान इहरिंग। अब एक एक लाइन देखना है। इच्छा के सिद्धांत वाले ये कहते हैं कि व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं और वहीं उन्हीं इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और वहीं इच्छाएं व्यक्ति को अधिकार प्रदान करती है, जबकि हित वाले कहेंगे कि व्यक्तियों के हित होते हैं, कई हित जब मिल जाते हैं तो व्यक्तियों के अधिकारों का क्या करते हैं? सृजन। यानी कि अधिकार, कई हित मिल गए तो व्यक्ति के अधिकार बन गए, और सभी अधिकार मिल जाएंगे तो पढ़ाना भी है क्या बनेगा? स्वामित्व। किसने ये परिभाषा दी? हाह फेल्ड। इस प्रकार आपका अधिकार के बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है समाप्त हुआ। अब आइए कर्तव्य आ जाइए। तो सबसे पहले कर्तव्य के आवश्यक तत्व, इसके बाद परिभाषा, एक क्वेश्चन बनता है। कर्तव्य के प्रकार हम बताएंगे, जैसे अधिकार के प्रकार बताए, और अंत में कर्तव्य और अधिकार की व्यापक व्याख्या। वहीं क्वेश्चन ज़्यादा गलत होता है। व्यापक व्याख्या का मतलब हा सामान्य ने पहले प्रस्तुत या फिर हाफेल ने। तो कौन किसका समानार्थी है और कौन किसका विरोधी है? अब ये रटना पड़ेगा, लास्ट में मैं बता दूँ। ये क्वेश्चन आपका कौन किसका सहवर्ती और कौन किसका विरोधी, तो आ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी तो ड्यूटी देखना है। देखिए पहले ड्यूटी के आवश्यक तत्व देखा जाए। सबसे अच्छा उदाहरण मूल अधिकार पर चलिए। हमारा मूल अधिकार है तो कर्तव्य किसका है? राज्य का। भाई किसका कर्तव्य है? और राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? 12। फिर एक बार कॉन्सेप्ट बनाइए। अनुच्छेद 12 में दिए जो राज्य की परिभाषा दी गई है, तो राज्य का यह कर्तव्य है कि हमारे मूल अधिकारों का सम्मान करे, हमारे मूल अधिकारों का हनन न करे। तो कर्तव्य के चार एसेंशियल एलिमेंट होते हैं। पहला आपका कर्तव्य का कर्ता, यानी कि कर्तव्य का क्या हो गया? कर्ता, जिसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। दूसरा हो गया अधिकार का कर्ता, यानी कि एक दूसरा व्यक्ति होगा जिसको क्या प्राप्त होगा? अधिकार। फिर कर्तव्य की अंतर वस्तु, कंटेंट्स, यानी कि अंतर वस्तु हो जाएगी। और अंतिम आपका कुछ न कुछ करने या न करने से उत्पन्न परिणाम क्या होगा? कुछ करने या न करने से उत्पन्न परिणाम। अब एक उदाहरण उठाया जाए आपका, अनुच्छेद 14 उठाया जाए, सबसे अच्छा है 14 पर ही लिया जाए अधिकार में। देखिए कर्तव्य के ये चार आवश्यक तत्व हैं। फिर एक बार याद रखिए, पहला कर्तव्य का अभी परिभाषा कल बताई जाएगी, आज आवश्यक तत्व हो जाए। पहला कर्तव्य का धारण कर्ता होना चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जिस पर बाध्यता का बोझ हो, जिस पर कर्तव्य हो, जिस पर ड्यूटी हो। तो मूल अधिकारों में कर्तव्य किस पर है? हम पर है कि राज्य पर है? राज्य पर। किस अनुच्छेद में राज्य दिया गया है? 12। तो मूल अधिकारों में कर्तव्य किस पर चला गया? राज्य पर। तो राज्य कर्तव्य का क्या कहलाएगा? कर्ता। दूसरा एक और व्यक्ति होना चाहिए जिसका अधिकार हो, तो
आपका अधिकार हमारा है, तो हमारा अधिकार हो गया और किसका कर्तव्य हो गया, राज का। तो कर्तव्य की अंतर वस्तु, तो अंतर वस्तु का मतलब ये हुआ कि कुछ करना या न करना, या तो कर्तव्य सकारात्मक होगा तो कुछ करना और नकारात्मक होगा तो कुछ। तो आप लोग बताइए, अनुच्छेद 14 की भाषा मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ करना है कि नहीं करना है, तो आपका नहीं करना है। कैसे, देखिए, राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को समता के अधिकार और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। जैसे नहीं करेगा हो गया, ये कर्तव्य राज्य का नकारात्मक है कि सकारात्मक। तो कुछ करना या कुछ, तो अनुच्छेद 14 में क्या था, न करना, ये क्या हो गया कर्तव्य की अंतर वस्तु। ये कर्तव्य किस पर होता है, कर्ता पर। मूल अधिकारों में कर्ता कौन हो गया, राज्य। तो अगर राज्य समता के अधिकार का उल्लंघन करता है या विधियों के समान संरक्षण का वायलेशन करता है, तो उसका आपका परिणाम उत्पन्न होगा। तो परिणाम बता दीजिए, अगर राज्य मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो परिणाम क्या होगा, तो जो अधिकार का धारण करता है वह राज्य के खिलाफ कोर्ट का क्या खटखटाएगा, दरवाजा। तो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, और 226 के तहत हाई कोर्ट। यानी कि जो परिणाम, अब आसान भाषा में तो मूल अधिकार पर ही सब चला जा रहा है, आसान भाषा में भी हमें समझना है। आसान भाषा में आपका ये हुआ कि जिस व्यक्ति पर कुछ करने या न करने का कर्तव्य होता है, अगर वह व्यक्ति उस कर्तव्य को नहीं निभाता, तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके खिलाफ आपका कार्रवाई अनुशासित लागू की जाएगी, या तो सिविल या क्रिमिनल। अगर संविदा टाट इत्यादि हैं तो मुकदमा करके क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी, और आपराधिक मामला था तो ऐसे उल्लंघन करने वालों को क्या किया जाएगा, दंडित। तो परिणाम क्या उत्पन्न होगा, सेंसन, आस्टिन वाला। सिविल मामला है तो सिविल सेंसन, क्रिमिनल मामला है तो क्रिमिनल, लेकिन मूल अधिकार का मामला है तो राज्य को हम बाध्य कराएंगे कि हमारे मूल अधिकारों का क्या करे, सम्मान। और राज्य से हम मुआवजा भी वसूल सकते हैं, क्योंकि रुदल शाह के मुकदमे में ये आ गया कि अगर राज्य मूल अधिकारों का क्या करता है, हनन, तो हम क्या वसूल सकते हैं राज्य से, क्षतिपूर्ति। तो अब कल जो बताया जाएगा आपका कर्तव्य की परिभाषा, कर्तव्य के प्रकार, और लास्ट में इसमें चार्ट एक बनाना है, वह चार्ट रट्टा मारना है। तो परिभाषा कल बताई जाएगी। प्रकार से भी पूछा जाता है, निरपेक्ष कर्तव्य ऑस्टिन ने जो दिया है वहीं अंदर से जाकर पूछा जाता है।